बिहार में अब पंचायत चुनाव कराने के लिए बनेंगे नए कानून। बिहार के नियोजित शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन को लेकर करना होगा फिलहाल इंतजार। बढ़े हुए वेतन का लाभ एरियर के रूप में मिलेगा। पीएम मोदी ने संक्रमण को लेकर किया खास बैठक और कहा गाँव में घर घर जाकर जांच और निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। यानी कहा कि गाँव में भी जांच प्रतिदिन किया जाए और उनकी निगरानी भी किया जाए। बिहार में संक्रमण दर हुई धीमी, 6.6% तक पहुंची। पटना एम्स में बच्चों पर कोरोना टीके का ट्रायल शुरू। यानी कि बच्चों को भी समय पर सितंबर से पहले टीका, तीसरी लहर से पहले टीका मिल जाए, इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी मुस्तैद है। गांव में संक्रमण की जांच बढ़ेगी, नीतीश कुमार। एक तरफ पीएम मोदी भी बैठक, खास बैठक कर यह निर्णय लेते हैं और उनके अनुरूप बिहार सरकार भी इस पर फैसला लेती है कि गाँव में भी संक्रमण की जांच नियमित होते रहे। इधर बंगाल में 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा। ईमेल और डाक से मृत्यु प्रमाण पत्र भेजे जाएंगे। देखिए, मृत्यु प्रमाण पत्र जो है इस समय ईमेल से और डाक से भेजने की बात कोरोना काल में किया जा रहा है। ममता बनर्जी के भाई का हुआ निधन, गंगोत्री धाम के कपाट खुले। कोरोना के डर से अस्पतालों में प्रसव की संख्या घटी। देखिए, कोरोना के समय में गर्भवती महिलाएं जो है अस्पताल जाना नहीं चाह रही है, जिससे संख्या में कमी आई है। सौ फेंके जाने के मामले में गंगा से लगे सभी जिलों को किया गया अलर्ट। बिहार में 4,352 प्ले स्कूल बंद, 20,272 शिक्षक हुए बेरोजगार। 15 अनुमंडलीय अस्पताल में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। 31 जुलाई से पहले निबंधन कराएं तभी मिलेगी मदद, फसल सहायता योजना का। मास्क बनाने वाली जीविका दीदियों को मिलेंगे 150 करोड़। इधर फरार घोषित होते ही गिरफ्तारी के लिए रखा जाएगा इनाम। सूबे में 70% गरीब नहीं कर रहे हैं रसोई गैस का उठाव। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, बारी बारी से सभी खबरों पर बताने से पहले आपसे एक आग्रह है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक आपके करने से हमें उत्साह मिलता है, जिससे फिर हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, जिससे हमारी सदस्यता संख्या बढ़ सके। सबसे पहले हम बिहार की बात कर लें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर व कोविड अस्पतालों का बीसी से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण किया। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिहार के मुख्यमंत्री अस्पतालों का निरीक्षण किया, रोगियों से बात तक किए। मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन यह कार्य जो है बिल्कुल सराहनीय है और उन्होंने निर्देश भी दिया है कि गाँव में संक्रमण की जाँच बढ़ेगी। यानी कि कहा गया कि गाँवों में भी संक्रमण की जांच जो है, कोरोना की जांच की जो है संख्या बढ़नी चाहिए, नियमित जांच होनी चाहिए। सवाल उठता है कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सच्चाई सीएम के सामने आ सकेगा या आया? जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ होगा तो स्थानीय डीएम के मन मुताबिक उन रोगियों को चुना गया होगा, उन अस्पतालों को ही दिखाया गया होगा। अगर और अस्पताल के भी दिखाया गया हो तो उन अस्पताल के कोना का दिखाया गया होगा जिसको बेहतर किया गया हो, बेहतर कर उसको मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया होगा। और जिन रोगियों से बात कराया गया होगा उन रोगियों को पहले ही तोते की तरह पढ़ा लिखा दिया गया होगा। आखिर सच्चाई सीएम के सामने, हमारे मुखिया के सामने कैसे आएगा, यह सोचने वाली बात है। बीते दिन पप्पू यादव का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश जी, कम से कम हम बिहार में थे, सक्रिय थे, तो यह जरूर था कि हम आपको सही आईना दिखा रहे थे। क्या हो रहा है आपके अस्पतालों में, कैसे हो रही है दवाइयों की कालाबाजारी, तमाम चीज़ों को हम सत्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे।
और आपके अपने पदाधिकारी जो हैं उस चीज़ को नहीं दिखाना चाहते, वह तो यह बोलना चाहते हैं जो आप जिससे खुश हो जाते हैं। तो आप आईना को ही हटाने का काम किए हैं। तो उन पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कितना सही जांच हुआ होगा, कितना अच्छा आकलन किए होंगे मुख्यमंत्री, या आप भी समझ सकते हैं। इस पर जो मैं कह रहा हूं या कहां तक सत्य है, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का यह बयान बेहतर है, अच्छा है कि गांवों में भी संक्रमण की जांच होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ऐसे भी हो रहा है। लेकिन फिर मैं आवाज़ उठाना चाहूँगा कि गांवों में कोरोना टेस्ट हो भी रहा है, लेकिन उसके इलाज के लिए भी पंचायत स्तर पर व्यवस्था होनी चाहिए। आज जांच करके उन्हें छोड़ दिया जा रहा है कि होम क्वारंटाइन चले जाओ। वो होम क्वारंटाइन कहाँ जाएंगे? उनकी होम यानी घर इतना बड़ा तो नहीं है जिसमें 10 परिवार 20 परिवार रह रहे हैं, हर परिवार के लिए एक कमरा अलाउट हो। एक या दो कमरे हैं, एक में सामान भरा रहता है तो एक में पूरे परिवार एक साथ सोते हैं। आखिर उस स्थिति में गांव के लोग कहां क्वारंटाइन होंगे? तो पंचायत स्तर पर फिलहाल अस्पताल से जुड़ा हुआ क्वारंटाइन सेंटर भी होनी चाहिए कि वैसे जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है वह यहां आकर रह सकते हैं। दवा दारू भी नियमित मिलेगा। आज टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, वो बेचारा ढूंढते चल रहा है कि अब मैं कहाँ दिखाऊँ, क्या करूँ, वह कुछ नहीं उनको मिल पा रहा है। तो इस तरह के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। 10 जिलों के DM बैठक में हुए शामिल। नीतीश कुमार जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जायजा ले रहे थे तो 10 जिले के DM उनसे जुड़े हुए थे, जहां रोगियों से मिलाया गया वीडियो के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अस्पतालों को दिखाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समस्तीपुर, पूर्णिया, सहरसा, सिवान, पूर्वी चंपारण, नालंदा, खगड़िया, औरंगाबाद, पटना और कटिहार जिले के जिलाधिकारियों ने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। DM साहब तो बेहतर जानकारी दिए होंगे कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। होम आइसोलेशन वाले मरीजों की पूरी खबर लें। या देखिए, मैं जो बात बोल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री के भी दिमाग में यह बात आई कि उनके पास में जो है, जो होम आइसोलेट हैं, उनको, उन मरीजों की खोज खबर लें। हाँ, ऐसा अब हो रहा है, जैसा कि एक मेरे ही नज़दीकी आदमी ने कहा कि एक व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव, उनकी रिपोर्ट आती है तो दूसरे दिन ही जिला स्तर से एक फ़ोन आता है कि अब आपकी स्थिति कैसी है। लेकिन उसके उनके द्वारा कहा गया कि बेहतर है, लेकिन उसके बाद में कोई खोज खबर नहीं। और जब उसी नंबर पर उस व्यक्ति के द्वारा कॉल किया जाता है तो कॉल उठाने वाला भी कोई नहीं मिलता है। उनके द्वारा बताया गया कि 2-3 बार लगातार मैंने प्रयास किया, लेकिन उधर से कोई फ़ोन नहीं उठाया। आखिर यह फ़ोन किस नंबर से किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों की सोचने की ज़रूरत है। इधर सतर्कता बरतने के लिए गांवों में घर घर जांच और निगरानी बढ़ाई जाए, PM मोदी का कहना है। राज्यों में वेंटिलेटर दिए जाने की ऑडिट होगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां संक्रमण दर ज़्यादा हो उन इलाकों में को जांच बढ़ाया जाए, गांवों में डोर टू डोर जांच और सर्विलांस की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल सही बात है। तूफान तौकते से पहले तबाही उड़ाने हुई रद्द। बंगाल में 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा है। बिहार के पूर्व राज्यपाल RL भाटिया नहीं रहे। ईमेल और डाक से मृत्यु प्रमाण पत्र भेजे जाएंगे। मंगल ग्रह पर उतरा चीन, अमेरिका के बाद बना दूसरा देश। बिहार में राहत की यह बात है कि संक्रमण दर धीरे धीरे धीमी होती जा रही है। बीते दिन राज्य में 7,336 नए संक्रमित मरीज मिले। एक दिन में 23 जिले में 100 से अधिक नए संक्रमित मरीज मिले हैं। देखिए, बिहार में अब संक्रमण की दर बिल्कुल ठीक होते जा रहा है, कम होती जा रही है। बीते दिन 24 घंटे में शनिवार को 7,336 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और रिकवरी रेट भी अब बिल्कुल ठीक होते जा रहा है। देखिए, बीते दिन अगर मान लीजिए कि बात करें शुक्रवार की, तो 7,494 नए संक्रमित मरीज मिले थे और ठीक होने वालों की संख्या, स्वस्थ होने वालों की संख्या 14,131 थी। तो यह रिकवरी रेट भी बिल्कुल अब ठीक होता जा रहा है। पटना एम्स में बच्चों पर कोरोना टीके का ट्रायल शुरू हो गया है। एम्स में ब्लैक फंगस वार्ड बना, 18 मरीज भर्ती। एक बड़ी ही बुरी संकेत अब आने लगी है कि कोरोना के साथ अब ब्लैक फंगस भी। जैसा कि मुझे जानकारी है,
टीवी वगैरह पर मैंने देखा, लोग विशेषज्ञों को जाना तो कहना है कि जिनको कोरोना हुआ था उन पर यह विशेष असर कर रहा है, आंखों को चौपट के जा आंखों की रोशनी चली जा रही है, तो इससे भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और कोरोना के डर से अस्पतालों में परसों की संख्या घटी है, कोरोना के डर से लोग अस्पताल भी जाना नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं गए हम प्रसव कराने और कोरोना लेकर घर आए। सौ फेंके जाने के मामले में गंगा से लगे सभी जिलों को किया गया है अलर्ट। बिहार में 4,392 नए प्ले स्कूल बंद, 20,772 शिक्षक हो गए बेरोजगार। इस कोरोना काल में जो है प्ले स्कूल बंद हो गए हैं, जिसमें 4,352 जो है स्कूल बंद हुए हैं, 20,272 शिक्षक बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार शिक्षकों के लिए सरकार को सोचने की जरूरत है। पातेपुर में बनने लगा है ऑक्सीजन प्लांट, 15 दिनों में शुरू होगा उत्पादन। मास्क बनाने वाली जीविका दीदियों को मिलेंगे 150 करोड़, 15 अनुमंडलीय अस्पताल में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। 31 जुलाई से पहले निबंधन कराएं तभी हो मिलेगी मदद। पुलिस फिर करेगी वाहनों की धरपकड़, फरार घोषित होते ही गिरफ्तारी के लिए रखा जाएगा इनाम। सूबे में 70% गरीब नहीं कर रहे हैं रसोई गैस का उठाव। तो और इधर जो है बिहार में पंचायत चुनाव के जो कार्यकाल हैं, पंचायत का कार्यकाल है, मुखिया का कार्यकाल है, वह 15-16 जून के बाद समाप्त हो जाएंगे। और जब समाप्त हो जाएंगे और उस समय उससे पहले अगर चुनाव नहीं होती है तो अब विभाग सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के लिए नया अधिनियम लाना होगा, नया कानून लाना होगा, और कानून बनने के बाद ही चुनाव हो सकते हैं किस आधार पर होगा। लेकिन अब यह कन्फर्म माना जा रहा है कि कोरोना का असर जब तक नहीं कम होगा तब तक चुनाव नहीं होगा, और चुनाव कराने में अब धड़ाधड़ होगा, यानी कि एक या दो या तीन चरणों में ही चुनाव होगा। तो फिलहाल जो है अगर समय से अगर चुनाव नहीं हुआ और समय के बाद उनका कार्यकाल समाप्त के बाद चुनाव होता है तो नए कानून लाने ही होंगे। इधर बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं नए वेतन बढ़ोतरी के लाभ को लेकर मांग उठाने लगे कि नए वेतन मान हमें नए वेतन का लाभ जो 1 अप्रैल 2021 से 15% के वेतन में बढ़ोतरी की गई है उसका लाभ मिले। लेकिन शिक्षा विभाग ने अब साफ शब्दों में कह दिया है कि फिलहाल 15% वेतन बढ़ोतरी के लाभ के लिए इंतजार करना होगा। कहा गया कि वेतन का लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा, लेकिन फिलहाल उसका लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि यह कोरोना काल चल रहा है, कार्य धीमी गति से चल रही है, और वेतन बढ़ोतरी को लेकर वित्त विभाग के पास में शिक्षा विभाग ने अनुमोदन के लेकर भेजा है। जैसे ही अनुमोदन होकर आता है वैसे ही शिक्षकों के लिए विभिन्न जिलों को विशेष गाइडलाइन जारी की जाएगी, पे मैट्रिक्स जारी की जाएगी और तब पे फिक्सेशन कराया जाएगा। जब तक वेतन निर्धारण नहीं होता है तब तक नए वेतन का लाभ नहीं मिल पाएगा। हाँ जी, अप्रैल महीने से जो लाभ नहीं मिल पा रहा है वो बढ़े हुए वेतन का लाभ एरियर के रूप में शिक्षकों को जरूर मिलेगा। शिक्षा विभाग ने कन्फर्म कर दिया है कि अनुमोदन होकर वित्त विभाग से आने के बाद में पे मैट्रिक्स जारी किए जाएंगे और जिलों को विशेष गाइडलाइन जारी किया जाएगा। तो फिलहाल अपने वेतन के लिए इंतजार करें, खबरों को जानने के लिए देखते रहें। मुझे इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।